हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी बाय विवो। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो नीट अभी ख़त्म हुआ है, उस नीट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे बॉटनी सेक्शंस में, हम उसी क्वेश्चन के बारे में अभी आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरी तरह से एंड तक देखिए तो आप बॉटनी के जो सारे क्वेश्चन है इसके बारे में आप जान सकते हो कि क्वेश्चन आपने सही आंसर दिया था या फिर गलत आंसर दिया था, और उससे आप अपना स्कोर भी मैच कर सकते हो कि आप बॉटनी सेक्शन में कितना मार्क सिक्योर कर सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। थैंक यू वेरी मच। सो वी आर डिस्कसिंग द बॉटनी आंसर की फ्रॉम द फाइनल नीट यूजी एग्जाम व्हिच वाज कंडक्टेड ऑन 12th September ऑन संडे। प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड टू गेट ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चंस, ओके, एंड यू कैन गेट योर आंसर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज फ्रॉम द पेपर 3 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बॉटनी सेक्शन। द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द आंसर इज पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। व्हाई इट इज इनकरेक्ट? बिकॉज द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। ओके, सो ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोइसियस। मोनोइसियस मीन्स द प्लांट व्हिच इज हर्माफ्रोडाइट। सो हियर कारा इज अ हर्माफ्रोडाइट प्लांट, ओके, जिसमें कि मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों एक ही प्लांट में मौजूद होता है। फिर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ अ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम इज डैश, एंड द आंसर इज ऑक्सालोएसिटिक एसिड। Why it is oxaloacetic acid? Because oxaloacetic acetic acid is a 4 carbon compound and the sorghum is a C4 plant. So the answer is oxaloacetic acid. Then Diadelpha stamens are found in DAS. The answer is P. Okay. In a Diadelpha stamens, the stamens are grouped into, the stamens are attached and grouped into two groups. Okay. So it is found in the P or Fabaceae family. DNA strands on a gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation appear as dash. First of all, the ethidium bromide is a dark red color chemical. So DNA strands on it, if it is stained, then it will appear as a bright orange band. So bright orange band. So option 3 is the right answer for here. Plants follow different pathways in response to environment or phases of life to form different kinds of structures. This ability is called in botany plasticity. Okay, मतलब कि हम इस ability को botany में क्या कहते हैं? तो इस ability को हम plasticity कहते हैं. Then match the list 1 with list 2. यहाँ पर list 1 में mention किया गया है protoplast fusion, plant tissue culture, meristem culture, micropropagation. लिस्ट 2 में दिखाया गया है टोटीपोटेंसी, पोमाटो, सोमाक्लोन्स, वायरस फ्री प्लांट्स। सो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन 3 को देखें तो आप ऑप्शन 3 में देख सकते हो जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न है वो पोमाटो के साथ फ्यूज़न हो सकता है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न को हम पेयर कर सकते हैं पोमाटो के साथ। फिर प्लांट टिश्यू कल्चर को हम पेयर कर सकते हैं टोटीपोटेंसी के साथ। मेरिस्टमेटिक कल्चर में हमें पता है कि वायरस फ्री प्लांट फॉर्मेशन किया जाता है, और माइक्रो प्रोपागेशन में सोमाक्लोन्स फॉर्मेशन किया जाता है। सोमाक्लोन मीन्स सोमैटिक सेल को लेकर हम जो क्लोन्स फॉर्मेशन करते हैं उसको हम सोमाक्लोन्स कहते हैं। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देन इन द इक्वेशन GPP-R=NPP, हियर R रिप्रेजेंट्स डैश। GPP मीन्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP मीन्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से अगर हम रेस्पिरेशन लॉसेस को माइनस करते हैं तभी हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर R रिप्रेजेंट्स रेस्पिरेशन लॉसेस। देन द प्रोडक्शन ऑफ अ गैमिट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट्स, द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम ए डायग्राम कॉल्ड डैश। देखिए यहाँ पर नेट स्क्वायर, बुलेट स्क्वायर, पंच स्क्वायर इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर पुनेट स्क्वायर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन 2 के बारे में देखो तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिखाया गया है कि मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स पोजेसेस कॉन्स्पिक्यूस न्यूक्लियस एंड यूजुअली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है सीव ट्यूब में,
सो इसीलिए ऑप्शन टू इज इनकरेक्ट। अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखो तो न्यूक्लियर पोर्स इट डेफिनेटली एक्ट्स एज ए पैसेज फॉर द प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स। देन माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन ए प्लांट एंड एनिमल सेल, माइक्रोबॉडीज लाइक पेरोक्सिजोम ग्लाइक्सिजोम। देन द पेरी न्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये भी सही है, तो इसीलिए ऑप्शन टू इज द इनकरेक्ट वन। देन मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। अगर आप लिस्ट वन में देखो तो वहाँ पर लेंटी सेल्स, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क, ये सब मौजूद है। और लिस्ट टू में अगर आप देखो तो वहाँ पर फेलोजेन, सुबेरिन डिपोजिशन, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फेलोडर्म, ये सब मौजूद है। तो अगर आप लिस्ट वन को लिस्ट टू से कंपेयर करो तो वहाँ पर देखो ऑप्शन थ्री बहुत ही सही बैठता है, क्योंकि ऑप्शन थ्री में आप देख सकते हो जो कि ए वो थ्री के साथ पेयर होता है, लेंटी सेल्स जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। ऑप्शन बी को अगर हम देखें तो वो वन के साथ पेयर करता है, मतलब कि कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजेन कहते हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम पेयर कर सकते हैं फेलोडर्म्स के साथ। देन कॉर्क को हम पेयर कर सकते हैं सुबेरिन डिपोजिशन के साथ। तो इसीलिए ऑप्शन थ्री इज़ द राइट आंसर हियर। देन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉयल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एज डैश। द आंसर इज ऑब्वियसली स्टैंडिंग स्टेट। देन द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ अ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। देखिए इसके बारे में हमने पॉलिनेशन में पढ़ा था, अगर आपने पॉलिनेशन नहीं देखा है तो उसको अभी जाकर हम हमारे चैनल पर आप देख सकते हो। तो पॉलिनेशन में हमने पढ़ा था कि जब दो डिफरेंट प्लांट्स यूज होते हैं पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए, तो उस प्रोसेस में हमें जेनेटिकली एक डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन या फिर स्टिग्मा ये सब दिखाई देता है। तो इस तरह का प्रोसेस को हम जेनोगेमी कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन टू यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मेयोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर का डिवीजन हमें क्लियरली पता है कि ये एनाफेज में ही होता है, क्योंकि एनाफेज से पहले सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है। लेकिन एनाफेज टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एनाफेज टू ही लिखा गया है, अगर यहाँ पर एनाफेज वन भी लिखा होता तो वहाँ पर भी आंसर वो सेम आता कि एनाफेज में ही सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पीसीआर, दैट मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हमें पता है कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वहाँ पर ऑप्शन टू यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले हम डीनेचुरेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम एनिलिंग करते हैं, और फिर उसके बाद हम इसका जो डीएनए का एक्सटेंशन करते हैं। तो ऑप्शन टू इज़ द राइट आंसर। व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल्स टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इट इज़ नोन एज डैश। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जब हम किसी जीन को टारगेट करते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस के द्वारा, कि हम किसी इंडिविजुअल के टिश्यू में कोई डिजीज को ट्रीट कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसका आंसर जीन थेरापी होगा। सो ऑप्शन थ्री इज़ द राइट आंसर। देन यहाँ पर फिर आ गया है एक मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। आप लिस्ट वन में देख सकते हो क्रिस्टी, थाइलाकॉइड, सेंट्रोमियर और सिस्टर्न है, और लिस्ट टू में यहाँ पर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इन क्रोमोजोम, देन डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्गी अपैरेटस, देन इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया या फिर फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे ऑप्शन को यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को ही यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। आप यहाँ से मैच कर सकते हो, जो ए होता है वो थ्री के साथ बैठता है, जैसे कि क्रिस्टे हो गया वो इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, ओके इनवर्ड इनफोल्डिंग ऑफ अ इंटरनल मेम्ब्रेन। देन थाइलाकॉइड जो है वो फोर के साथ ठीक बैठता है, जैसे कि फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स। देन सेंट्रोमियर वो वन के साथ सही पे बैठता है, जैसे कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन इन क्रोमोसोम। देन जो सिस्टर ने है वो डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्गी अपैरेटस, इसके साथ वो सही बैठता है। सो ऑप्शन फोर इज़ द राइट आंसर। देन द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन ए पॉपुलेशन इज नोन एज डैश, आंसर इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। देन When the centromere is situated in the middle of the two equal arms of chromosomes, the chromosome is referred to as dash, the answer is metacentric. Then, gamma are present in dash, the answer is option 1, that is some liverworts.
During the purification process of recombinant DNA technology, addition of a chilled ethanol precipitates out gas. That means जब हम DNA का purification करते हैं recombinant DNA technology में, तो उस purification process में हम जब chilled ethanol को डालते हैं तो उससे क्या होता है, उससे DNA का purification हो जाता है. Then यहाँ पर फिर से आ गया list one with list two. अगर आप list one में देखो तो cohesion, adhesion, surface tension और guttation लिखा गया है. तो इनमें से आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या क्या सही बैठता है. तो अगर आप कोहेसन के पास देखो तो इट मीन्स म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स. देन अगर आप आधेसन के बारे में देखो तो आधेसन क्या है ना, इट इज़ द अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सर्फेसेस. अगर आप सरफेस टेंशन के बारे में देखो तो उसका मतलब है मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज. अगर आप गोटेशन के बारे में देखो तो उसका आंसर होगा वाटर लॉस इन लिक्विड फेज. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. आप अपने क्वेश्चन से मैच कर लो कि ए टू बी फोर सी वन एंड डी थ्री. ओके, देन द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोपीरियडिज्म इज डैश. देखिए ये क्वेश्चन को मैंने फोटोपीरियडिज्म जब पढ़ाया था तब भी इसके बारे में बताया था, और जब मैंने फोटोपीरियडिज्म का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसके बारे में भी जब मैंने डिस्कस किया था वहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र किया था. तो ऑप्शन वन यहाँ पे राइट आंसर बैठता है, ताकि वो होता है लीफ. ओके, लीफ में लाइट परसेप्शन की साइट मौजूद होता है. द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन ए फील्ड दैट इज 2,4-D. ओके, इट्स ए आर्टिफिशियल और सिंथेटिक ऑक्सिन, जो कि हम वीडिसाइड की तरह भी इसको हम यूज़ करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जी प्रोड्यूस कैराजेन. द आंसर इज रेड एल्जी. कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डॉगमा. देखिए यहाँ पर आपको एक सेंट्रल डॉगमा का मैप दिया गया है जिसमें कि आपको ए बी सी डी को पता करना है. तो डीएनए जब डीएनए फॉर्मेशन करता है तो इसीलिए ए को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए से पहले लिखा गया है. डीएनए से एमआरएनए जिसको हमने बी लिखा गया है, तो यहाँ पर बी का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन. एमआरएनए से जब आगे निकलता है तो सी में ट्रांसलेशन होता है और डी में फाइनली प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है, और इसको हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं. सो इसीलिए ऑप्शन फोर इज़ द राइट आंसर. ए इज रेप्लिकेशन, बी इज ट्रांसक्रिप्शन, सी इज ट्रांसलेशन एंड डी इज प्रोटीन फॉर्मेशन. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स. द आंसर इज ऑप्शन थ्री, दैट इज अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज. इसको छोड़ के और जो भी है वो सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है. In spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? The answer is of course two, that is resource partitioning. Which of the following is not an application of a PCR? That means polymerase chain reaction. The answer is four, that is purification of an isolated protein. क्योंकि gene amplification, molecular diagnosis, detection of a gene mutation, ये सब PCR में किया जाता है. नेक्स्ट मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू. लिस्ट वन में दिया गया है सेल्स विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, देन टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देन टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, देन डेड सेल्स विथ हाईली थिकेंड वॉल्स एंड नैरो लुमेन. सो यहाँ पर अगर आप देखो तो सेल्स विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, इसको हम मेरिस्टमैटिक टिश्यू के साथ कंपेयर कर सकते हैं. सो ए टू, देन बी को हम कंपेयर कर सकते हैं फोर के साथ, दैट मीन्स सिंपल टिश्यू. देन सी को हम कंपेयर कर सकते हैं वन के साथ, जो कि वास्कुलर टिश्यू होता है, जो कि डिफरेंट टाइप का होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम उसको कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम. देन जो डेड सेल्स होते हैं हाईली थिकेंड वॉल्स एंड नैरो लुमेन होता है, उसको हम स्क्लेराइड्स कहते हैं. सो डी थ्री, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. यू कैन मैच योर ऑप्शन अकॉर्डिंगली. A typical angiosperm embryo sac at maturity is dash. The answer is option 2, that is 8 nucleate and 7 celled. Okay, why it is 7 celled? आप जाके देख लो हमारे यहाँ पर चैनल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसका जो वीडियो हमने बनाया था, तो वहाँ पर आप देख सकते हो जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें आप 7 सेल देखोगे, जैसे कि 3 एंटीपोडल 2 सिनर्जिड 1 एग एंड 1 डेफिनेटिव न्यूक्लियस. जो वन डेफिनेटिव न्यूक्लियस है वो दो पोलर न्यूक्ली को लेके फॉर्मेशन किया जाता है, इसीलिए वो 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है और 7 सेल स्ट्रक्चर है. विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जी कंटेंस मैनिटोल एज ए रिजर्व फूड मटेरियल. द आंसर इज 2, दैट इज एक्टोकार्पस. देन
genera like Sylaginella and Salvinia produce two kinds of spores. Such plants are known as option 1, that is heterospores. Mutations in plant cells can be induced by option 4, that is gamma rays. Amensalism can be represented by, देखिए amensalism और commensalism इसमें क्या होता है, जब हम commensalism के बारे में बात करते हैं तो एक species का कुछ भी benefit या loss नहीं होता है, लेकिन जो दूसरा species है वो benefit में रहता है। उसका opposite है amensalism। देखिए amensalism आपके syllabus में नहीं है, लेकिन जब मैंने अपने चैनल में population interaction के बारे में वीडियो किया था तो वहाँ पर भी मैंने amensalism का जिक्र किया था। तो अमेंसलिज्म में क्या होता है ना, एक स्पेसिस का कोई भी हार्म नहीं होता है या फिर कोई भी लॉस, मतलब कि कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन दूसरा जो स्पेसिस होता है उसका हार्म हो जाता है। इसको हम एलेलोपैथी भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स? द आंसर इज 3, दैट इज ट्रांसक्राइब्स टीआरएनए, 5S आरआरएनए एंड एसएनआरएनए। ओके, यहाँ पर आपको आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 तीनों का फंक्शन याद करना पड़ेगा, तभी आप ये आंसर दे सकते हो। देन सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। यहाँ पर करेक्ट पेयर क्या हो सकता है, देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है तो इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। जो सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज वो क्या करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं, जो पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग होता है उसको हम कहते हैं इंटरफासिकुलर कैम्बियम। ओके, और जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में आता है उसको हम इंट्राफासिकुलर कैम्बियम कहते हैं। सो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट पेयर। ओके, और जो अगर आप 1, 2, 3 के बारे में देखो तो वो इनकरेक्ट पेयर माना जाता है। फिर आता है जो प्लाज्मेड PBR322 है, इट हैज़ PSTL रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। ओके, तो यहाँ पर अगर आप PSTL के बारे में देखो तो PSTL वो असल में होता क्या है, ये PSTL मतलब इट्स द प्रोविडेंसिया स्टुआर्टी। ओके, प्रोविडेंसिया स्टुआर्टी बैक्टीरिया से जो ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इससे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिया जाता है उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसका कहते हैं PSTL रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। विद इन जीन AMPR दैट कन्फर्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, देखिए ये जो प्लाज्मेड PBR322 है इट हैज PSTL रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। ओके, within gene AMPR, AMPR means ampicillin resistant site, okay, जो कि इसको ampicillin resistance provide कर रहा है। If this enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside production and the recombinant plasmid is inserted in an E. coli, then what will happen? It will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell. Then DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence, so it is called repetitive DNA. Okay, then we know the repetitive DNA, we also call it VNTR, that is variable number of tandem repeats. Okay, then in the exponential growth equation, that is NT equal to N0 ERT, here E represents dash, E represents the base of a natural logarithm. Okay, which of the following statement is incorrect? यहाँ पर option 1 को incorrect क्यों कहा गया है, आप इसका analysis देख लो। cyclic photophosphorylation involves both photosystem 1 and photosystem 2, यहीं पे ही ये statement incorrect हो जाता है। क्यों? क्योंकि photosystem 1 और photosystem 2 non-cyclic photophosphorylation जिसको हम Z scheme कहते हैं उस पर मौजूद होता है, लेकिन cyclic में PS2 नहीं होता है। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर आप बाकी स्टेटमेंट्स को देखो तो वो सब सही बैठते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पर ऑप्शन 3 को करेक्ट क्यों कहा गया है ये जान लो। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाजम्स बिटवीन टू मोटाइल ऑन और नॉन मोटाइल गैमेट्स इन इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमेट। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे देखो, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड सीथ सेल, ये रॉन्ग है। फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगैमी, इट्स रॉन्ग, क्योंकि फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोगैमी। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड स्पोरोफाइट सैप्रोफाइट्स, नो। ओके, लिविंग ऑन डाइड प्लांट्स और डेथ प्लांट्स दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। फ्यूजन ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, ये स्टेटमेंट सही है। देन फिर से आ गया मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कॉलम वन है उसमें है नाइट्रोकोकस, राइजोबियम, थायोबैसिलस, देन नाइट्रोबैक्टर। अगर आप कॉलम टू के बारे में देखो तो वहाँ पर डी नाइट्रिफिकेशन, देन कन्वर्सन ऑफ अमोनियम टू नाइट्राइट, देन कन्वर्सन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट, देन कन्वर्सन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया है। तो यहाँ पर अगर आप करेक्ट ऑप्शन को देखो तो यहाँ पर ए टू के साथ पेयर होता है, क्योंकि नाइट्रोकोकस वो कन्वर्सन ऑफ अमोनियम टू नाइट्रेट करता है। फिर बी फोर है राइजोबियम, जो कि कन्वर्सन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया करता है। सी वन है थायोबैसिलस, इट यूज्ड इन डी नाइट्रिफिकेशन, देन नाइट्रोबैक्टर दैट इन कन्वर्सन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रेट। सो ऑप्शन दिस इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, इज इनकरेक्ट को यहाँ पर ऑफ इनकरेक्ट हो गया है। सो इज इनकरेक्ट में आप देख सकते हो ऑप्शन थ्री, इसको इनकरेक्ट क्यों कहा गया है। देखिए, इन ETC दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H प्लस गिव रेस टू टू ATP मॉलिक्यूल एंड वन FADH टू गिव रेस टू थ्री ATP मॉलिक्यूल। देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको रिवर्स करके लिखना था सही करने के लिए। जो NADH प्लस H प्लस है वो तीन ATP देता है, और जो FADH2 होता है वो दो ATP देता है, ये हमें पता है NCERT से। लेकिन अगर हम इसको पूरी परफेक्ट नज़रिए से देखें तो यहाँ पर NADH प्लस और H प्लस वो देता है 2.5 ATP, और जो FADH2 है वो देता है असल में 1.5 ATP। तो यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, और इसको छोड़ के जो बाकी स्टेटमेंट्स है वो बहुत ही सही है। देन इन सम मेंबर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ फैमिली पोलिंग ग्रेन रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज। सो यहाँ पर जो रोजासी है और लिग्यूमिनोसा है, वहाँ पर पोलन ग्रेन बहुत, उसका वायबिलिटी बहुत महीने तक रहता है, लेकिन अगर आप बाकी पेयर्स को देखें तो वहाँ पर इतना देर तक नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन थ्री को कहा गया है। क्यों? क्योंकि RNA पॉलीमरेज बाइंड्स विथ ए रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। वी नो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज रो फैक्टर इज ए हेक्सामेरिक प्रोटीन, और हेक्सामेरिक सब यूनिट ओके वो क्या करता है ना, वो RNA पॉलीमरेज के साथ बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। ओके, देन मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू। यहाँ पर कॉलम वन में फ्लोरल फार्मूलाज दिया गया है, और कॉलम टू में कुछ फैमिलीज दिया गया है। तो यहाँ पर आपको फैमिली को याद रखना पड़ेगा। ये जो फ्लोरल फार्मूला है, इसका आंसर करने के लिए आपको उस फैमिली के बारे में याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन टू इज़ द करेक्ट आंसर। आप ए को थ्री के साथ रख सकते हो, फिर बी को ऑप्शन फोर के साथ, देन सी को ऑप्शन टू के साथ, देन डी को ऑप्शन वन के साथ आप पेयर कर सकते हो। देन मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन में यहाँ पर प्रोटीन दिया गया है, प्रोटीन को आप पेयर कर सकते हो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, देन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को आप पेयर कर सकते हो सी डबल बॉन्ड सी के साथ, या फिर देन ऑप्शन सी को आप पेयर कर सकते हो ऑप्शन टू के साथ, जो कि है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मौजूद होता है। और जो ऑप्शन डी बच गया, वहाँ पर पॉलीसैकेराइड के बारे में जिक्र किया गया है। तो जो पॉलीसैकेराइड है उसको आप कंपेयर कर सकते हो ऑप्शन थ्री के साथ, यहाँ पर आप ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देख सकते हो पॉलीसैकेराइड में। सो इसीलिए ऑप्शन टू इज़ द राइट आंसर। देन मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन में एस फेज, जी टू फेज, क्वेश्चन स्टेज, देन जी वन फेज के बारे में दिया गया है, और लिस्ट टू में दिखाया गया है कि क्या क्या होता है सेल साइकिल में। तो आप देख सकते हो जो ए होता है, ए में लिखा गया है कि एस फेज मतलब ए फोर, दैट मीन्स DNA रेप्लिकेशन। हमें पता है कि एस फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है, और उसके साथ जो सेंट्रोजोम है वो भी डुप्लीकेट करके सेंट्रियोल का जो दो पेयर होता है वो अपना दो पोल के ओर मूव करना शुरू कर देता है। फिर जी टू फेज में उसमें क्या होता है ना, जी टू में आप देख सकते हो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। सो ये सही है। देन सी क्वेश्चन स्टेज, इसमें आप देख सकते हो ऑप्शन टू इज करेक्ट, दैट मीन्स इनएक्टिव स्टेज। देन डी दैट मीन्स जी वन फेज, इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन।
सो ऑप्शन तो यहाँ पर मैंने दिया ही नहीं है, तो आप इस करेक्ट आंसर को लेके अपना जो ऑप्शन के साथ मैच कर सकते हो। देन द क्वेश्चन इज वेरी बिग। नाउ डेज इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर बाई अलाउिंग रेडियो एक्टिव प्रोब टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन ए क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाई इट्स डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी बिकॉज द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। वॉट मैंशन इन द ऑप्शन 4, म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपियर ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंटरिटी विथ इट। सो इसी के साथ हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड इफ यू लाइक दिस देन डू लाइक द वीडियो। यू कैन शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स दोज हु हैव अपियर्ड इन द NEET 2021 examination, and you can also subscribe to the channel. Thank you very much.